पटना में एक शख्स ने जो पहल की है उससे हजारों लोगों की जिंदगी बच सकती है और भविष्य जो है संवर सकता है। देखिए, बाइक सवार बच्चों को हेलमेट पहनाने की ये अनोखी तस्वीर बिहार की राजधानी पटना की है। ऐसा आपने शायद पहले कभी नहीं देखा होगा। पटना के एक नामी स्कूल के सामने भीड़ भरी सड़क पर ये शख्स बाइक पर अपने पिता या रिश्तेदार के साथ सफर कर रहे नन्हे बच्चों को हेलमेट पहना रहा है। दरअसल हेलमेट मैन के नाम से मशहूर राघवेंद्र कुमार बच्चों को मुफ्त हेलमेट बांटने का अभियान चला रहे हैं। इनका मकसद खास तौर से बच्चों को सड़क पर सुरक्षित सफर और ट्रैफिक के नियमों के पालन के लिए जागरूक करना है और इस मुहिम से जुड़ने के लिए प्रेरित करना है। अच्छा ना, अब अपने दोस्तों जितने भी जो पेरेंट्स आ रहे हैं बिना हेलमेट के, उन्हें आपको जागरूक करना है। बोलना है कि छोटे बच्चे के लिए हेलमेट कानून पास होगा, जो मेरे पापा का वो आप ना करें, मुझे हेलमेट पहनने हेलमेट दिया है, आप घर दीजिएगा, मेरे बारे में सर्च करिएगा गूगल पर, आपको पता चलेगा। ठीक है, राघवेंद्र कुमार 9 सालों से न केवल बच्चों बल्कि दूसरे बाइक सवारों को भी मुफ्त हेलमेट बांट रहे हैं और सुरक्षित सफर की अलग जगा रहे हैं। 2014 में हाँ, मेरे एक मित्र था कृष्ण कुमार ठाकुर झंझारपुर से, और अपने माता पिता का इकलौता चिराग था, और सड़क पर हेलमेट ना लगाने की वजह से उसकी मौत हो गई। और तब से मैंने शपथ लिया कि किसी भी माँ का मैं कोख उजरने नहीं दूंगा, और इसलिए सड़कों पर भारत के 22 राज्यों में अभी तक 56,000 से अधिक हेलमेट बांट चुका हूं, और उनमें से मैं बड़ा खुद को भाग्यशाली समझता हूं कि मैं 30 लोगों की जिंदगी बचाने में मुझे सफलता भी मिली है, और वो आज मिशन आज सड़कों पर जारी है। सड़क पर आए दिन होने वाले हादसों में बाइक सवारों की जान जाने की खबरें आती रहती हैं। आमतौर पर लापरवाही के कारण बहुत से लोग हेलमेट नहीं लगाते। ऐसे में राघवेंद्र कुमार को उम्मीद है कि उनकी ये पहल तमाम लोगों की आंखें खोल देगी और उन्हें हादसों से बचाने में मददगार होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।